हमीरपुर में आगामी लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत गौतम कॉलेज में सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में BSc नर्सिंग एवं MBA के छात्र छात्राओं तथा स्टाफ ने भाग लिया। उपमंडल अधिकारी शशिपाल नेगी ने कहा कि सभी नवयुवक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाएं ताकि चुनाव आयोग के अभियान के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जिला के नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए स्वीप के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है। शिविर में छात्रों को वोटिंग मशीन EVM और VVPAT की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ उनके संचालन का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से टैटू अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत सभी युवाओं में मतदान के प्रति उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने स्वारघाट में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की हर पंचायत हर गांव में अपनी सांसद निधि से विकास करवाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की सरकार है और लोगों को झूठ बोलकर ठगना चाहती है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और इस बार इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ साथ राजनीति के खिलाड़ी भी हैं और जिस तरह वे क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते हैं उसी तरह लोकसभा चुनावों के मैदान में भी वो इस बार जीत का चौका लगाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने संसाधनों से 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जो कि आज तक देश के किसी भी सांसद ने नहीं चलाई है और ना ही ऐसी योजनाओं के बारे में सोचा है। ये तीनों योजनाएं सांसद स्टार खेल महाकुंभ, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य योजना व सांसद भारत दर्शन योजना है। प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र से सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों और आतंकवादियों का साथ दे रही है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि वे सत्ता में आते ही धारा 124A को समाप्त कर देंगी। इस धारा के अंतर्गत देशद्रोहियों और आतंकवादियों को सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और देशद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं तथा कार्रवाई भी की है। धर्मशाला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान
के मुद्दे पर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा जुबान काटने के फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता ये स्पष्ट करें कि आखिर ऐसे व्यक्ति किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। परमार ने कहा कि मर्यादा का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और भाजपा ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है।